হয় জয়ন্ত, আমি পোন প্রথমে আমি আমার দর্শকক দেখাবলে বিচাৰিছো এই যে স্থানত উপস্থিত আছো, হনুমানগড়ি বুলি কোৱা হয় আৰু এয়া অযোধ্যাৰ অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইয়াত তুলিছে জয় শ্রীরামৰ ধ্বনি তেওঁলোকৰ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, ভাৰত মোদী, ভাৰত মোদী। ভগৱানৰ আৰাধনাত বিলীন হৈ পৰিছে সকলো, ভক্তৰ সমাগম দেখা গৈছে। नहीं, हम मधुबनी बिहार से हैं। बिहार से आए हैं जी, सीता जी की जन्मस्थली से हम लोग हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिंदगी में पहली बार यहाँ आए हैं, लेकिन ये अविस्मरणीय हो गया है जी। यहाँ बताएंगे आप यहाँ से हैं? हम अमेठी से हैं मैडम। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खूब मजा आ रहा है। सभी लोग बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। हम पाली राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं? हाँ मैडम। तो आप पहली बार आए? मैं नहीं, हम पहली बार आए। हमारे बड़े भाई साहब आए थे, परमेश सिंह जी मेवाड़ा। हाँ। कार सेवक थे। तो कैसा लग रहा है पूरा एकदम? बहुत जोरदार अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ मैडम, मैं महाराष्ट्र जालना जिले से आया हूँ। मैं पहले भी आ चुका हूँ, 5 साल हो गए, ये दूसरी बार है। 4-5 साल हो गए मैं आया था। अब बहुत ही बड़ा बहुत बदलाव सा हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 22 तारीख को रामलला जी भव्य दिव्य ऐसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वो 22 दिन को हर देश, हर सारे देश में दिवाली से मातम बनाए जाएंगे। सारे सारे देश में दिवाली का। मैं रामलला के ऊपर एक मैं भजन लिखा हूँ, मैं गाना चाहता हूँ। राम लला तेरे छाया में जिंदगी गुजार दूं, राम लला तेरे छाया में जिंदगी गुजार दूं। तू जो चाहो चांद जमी पे उतार दूं, तू जो चाहो चांद जमी पे उतार दूं, दिल खुश हो जाए तेरा। এআই পরিবেশ জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ কবলে আর হয়তো প্রয়োজন নাই, হয়তো কবলে আর বুঝাবলে প্রয়োজন নাই। এয়াই হয়েছে জয়ন্ত পরিবেশ। আর ইয়াত আমি হনুমানগড়ি মন্দির অকমান আর ভালদরে আমি দেখাবলে অকমান যত্ন করে আগবাড়ি যাম। ভজন কীর্তন অহরহ চলি আছে, রাইজর মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা, আধ্যাত্মিকতার একটা সম্পূর্ণ পরিবেশ। মুঠর উপর ভক্তি রসত ডুব গৈছে, ভক্তি রসত বুর গৈছে সকলো। আর এয়া চাওক, যোনফালে আপনার চকু যায় সেই দিকে ইয়াত ভক্তর যথেষ্ট সমাগম। আর এয়া হয়েছে পরিবেশ অযোধ্যার, যে অযোধ্যাবাসী আজি বছরের পিছত বছর এই ধরনের অপেক্ষারত আসলে। আর এই যে মন্দির, এই মন্দিরের আছে এক বিশেষ মহত্ব, এই মন্দিরের বিশেষ গুরুত্ব আছে। পরবর্তী সময়সাত আমি আরো অকমান যদি ভিতরের পারো আমি আরো অকমান ভালদরে আমার দর্শকক আমি দেখাবলে যত্ন করি, যেহেতু আমি আমার দর্শকক কইছো যে দর্শকে ঘরত বহি অযোধ্যার প্রতিটি সুখ কোড তেওঁলোকে আমার টিভির স্ক্রিনের জড়িয়তে তেওঁলোকে চাব পারিব যে অযোধ্যাখন কেনেকুয়া, আজির তারিখের অযোধ্যাখন কেনেকুয়া, 22 তারিখের বাবে যে ধরনের প্রস্তুতি দেখা গৈছে, সেই প্রস্তুতির এই গোটেই পর্বখিনি এটা একটা ইয়াত উৎসবের একটা পরিবেশ, চারিফলে আধ্যাত্মিকতার একটা পরিবেশ যথেষ্ট। যি আমি আমি যেটা হেড অফিসত থাকো, গুয়াহাটির আমার কার্যালয় থাকো, এই ধরনের শীত অনুভব আমি নকরো। হয়তো এই ধরনের শীত আমি বহু বছর ধরে অন্তত গুয়াহাটিত অনুভব করা নাই, হয় শহরাঞ্চলত কিছু শীত থাকিব। ইয়ার যে পরিবেশ ঠান্ডা আর যথেষ্ট ঠান্ডা, কিন্তু ইয়াত এই পুয়ার ভাগরে পুরা পুয়া 7-মান বজারের পর ইয়াত এই ধরনের ভিড়, কুঁয়লি আসলে ঢুলি কুঁয়লি একটা পরিবেশ, কিন্তু চারিওফালে চাও ভিড়। আপ আপ কা আছে? জি মই মুম্বাই সে হুঁ, বিশ্ব পরিষদ। জি হ্যাঁ, মুম্বাই বান্দ্রা সে VHP से। तो काफी तो यहाँ पे जो बंदोबस्त, देखिए ये जो बंदोबस्त तो बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए। और आज तो जो सिपाही हमारी सुरक्षा में लगे, एक जमाना ऐसा भी था कि उनके डर से लोग नहीं आ रहे थे। और ये भी बताइए, ये जो यहाँ की जो सिक्योरिटी का जो सारा तैनात है, पुलिस है, फिर स्पेशल भी है, वो भी सुरक्षा ऐसी है जैसी हम राम भक्त चाहते थे, सुरक्षा ऐसी हो, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, देवभूमि है, पुण्य भूमि है। 528 साल बाद
श्री राम लल्ला विराजमान होने के लिए आ रहे हैं, तो सुरक्षा में तो पहरियों को लग रहा है रहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सभी लोग सुरक्षा में खड़े हुए, जो राम भक्त है वो भी सुरक्षा में ही खड़े हुए। और आसरी कथा यात सुन्दर सुशृंखला बद्ध भावे सकोखिनि चलि आछे जयंत, यात प्रतिटो सुके कुने आरक्षीर आमी उपस्थिति देखिछो आरु जथेष्ट संख्यक उत्तर प्रदेशर आरक्षी निरापत्ता आरक्षी जथेष्ट संख्यक आछे, तेउलुके प्रतिटो मुहूर्त तेउलुके काढ़ा दृष्टि राखिछे जे कुनो जाते यात कारो जाते असुविधा नहय हेखिनि कथार प्रति तेउलुके विशेष ध्यान दि आछे। আপুনি একো একোটা গলি তাত একো একোটা ঠাই তাত চাৰি পাঁচগৰাকী কৈ আৰক্ষী, আমি যি বাটেৰে আহিছো তাত চাৰিওফালে আৰক্ষী আৰু যথেষ্ট নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ সংখ্যা আমি দেখিছো, আৰু তাৰ মাজত ভক্ত আহিছে, ভক্ত খোজকাঢ়িছে, কোনোবা ভক্ত কিবা এটা প্ৰয়োজন হৈছে আৰক্ষীয়ে সেইখিনি সহায় কৰি দিছে, এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা অন্তত দেখিছো। বাবাজী আপকা যে আহে যে হম বিহাৰ সে আহে, বিহাৰ সে আহে, নালন্দা জিলা, नालंदा से आए हैं, तो पहले भी आप आए हैं यहाँ? नहीं कभी आए, पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो अभी हनुमानगढ़ी जाना है आपको? जहाँ इधर जरा घूमने, देखा दर्शन कर लिया या फिर दर्शन करना है? दर्शन नहीं करने के लिए जी, धन्यवाद। तो 22 तारीख की तो प्रतीक्षा रही जी, हाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ 22 तक रहेंगे जी। हाँ पीसफल है गोड़ा किया से राम भक्त लिखी हुई से सर सर थोड़ा बताइए आप कहाँ से? पहले तो जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को मोदी जी के द्वारा ये होगा कार्यक्रम, उसके बाद मुझे लगता है कि अब लोगों को दो दीपावली मनानी चाहिए। यहाँ तो दीपोत्सव का माहौल ही है जी, यहाँ पर ही है नहीं पूरे भारत में, और बहुत उत्साहित हैं लोग, और जो काम किसी ने नहीं किया वो योगी और मोदी जी ने किया। 500 सालों में हमारे राम राजा बैठेंगे, अपने महल में बैठ चुके हैं, और सभी में बहुत उत्साह है, और आने वाले समय में हमें दीपावली 22 जनवरी को भी मनानी चाहिए। आप यही से उत्तर प्रदेश? लखनऊ का, मैं लखनऊ। तो आप पहले तो आए होंगे? मैं अक्सर आया करता हूँ, हफ्ते में एक दो बार। थोड़ा हनुमानगढ़ी के महत्व के बारे में हमें अगर बताइए तो, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश निवासी है। जी हनुमानगढ़ी का महत्व ये है कि राजा राम ने हनुमान जी को पूरा यहाँ का राजा बना रखा है, और हनुमान जी की महिमा से ही पूरी अयोध्या में सारे लोग जीवन जी रहे हैं, और हनुमान जी के ही तप से और यहाँ के लोगों के तप से आज 500 सालों से जो काम नहीं हो पाया वो योगी और मोदी जी ने करके दिखा दिया। और जो अयोध्या में लोग आना पसंद नहीं करते थे, आज अयोध्या में लोग आना चाहते हैं, और बड़े बड़े फिल्म स्टार यहाँ पर जमीनें खरीद रहे हैं जो आके अपना निवास बनाए, और आखिरी समय में उनकी मुक्ति यही अयोध्या से हो, क्योंकि ये जन्मभूमि रही है हम सभी की, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे महत्व से देखना चाहिए। अभी एक चीज और है कि अभी मथुरा की बारी है, अभी मथुरा की बारी जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। হয় জয়ন্ত, প্রথমে কই লো যে আমি অযোধ্যার আমি হনুমানগড়ি মন্দিরত আছো, আর এই হনুমানগড়ি মন্দির এইভাবে বিশেষ কেন কোয়াই হয় কথাতে কয় যে রাম আর হনুমান আমি একেলগে নাম ল, আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত এই হনুমানগড়ি মন্দির কেবা শতিকা পুরনি এই মন্দির, আর এই মন্দিরর বিশেষত্ব এয়াই যে যখন অযোধ্যালয় আহে, যখন ইয়াত আহে বা তেওঁলোকে দর্শনের বাবে আহে এই পুণ্যভূমি, তেওঁলোকে হনুমানগড়ি মন্দিরত নিশ্চয় আহে, আর সেয়া ইয়াত দেখিছে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকের ভিড়, ইয়ারে বিশেষকৈ যি এটা বিশেষ বেচনের লাড়ু, সেই লাড়ু ইয়ারে বিখ্যাত, জিআই টেগো পাইছে শেহতীয়াকৈ এই লাড়ু বিখ্যাত, আর সেই লাড়ুর পরিবেশ আমি দেখাম। কিন্তু তার পূর্বে আমি মন্দিরের এই মুখ্য যি উঠি যাওয়া যি সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি আপনাদের দেখাবলে অকনমান যত্ন করে আসো। এনেকৈ দেখা গৈছে যে ইয়াত ভিড় যিমানেই আচলতে সময় চমু চাপিছে সিমানেই ভিড় বাঢ়িছে, আর ভিড় ইয়াত বিভিন্ন প্রান্তরের পর ভক্ত সকল আহিছে। মাত্র কিছু সময় পূর্বে আমি লগ পাইছিলো অসমৰ কেইগৰাকীমান ভক্ত, ডিঙিত গামোচাখন লৈ তেওঁলোকে আহিছে, আর তেওঁলোকৰ সপৰিয়ালে তেওঁলোক আহিছে, বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে তেওঁলোক আহিছে, আর সেয়াই হয়তো ইয়াত আহি আচলতে জয়ন্ত কালির পর আমি বহুখিনি অসমীয়া মানুহ বা অসমৰ মানুহ বহুখিনি আমি দেখা পাইছো, তেওঁলোক সুদূর হয়তো বহু দূর তেওঁলোকে কোনোবা এই ধরনের আহিছে, আর 22 জানুয়ারির যে একটা পরিবেশ সেই পরিবেশে হয়ে পড়ছে সম্পূর্ণ সুখিয়া। ইয়াত ইয়াত বহুতেই হয়তো ইয়াত হনুমানগড়ি মন্দিরত ইয়াত দর্শন করব, দর্শন করার পিছত তেওঁলোকে হয়তো রব, যেহেতু 23 তারিখের পিছত রাম মন্দিরের মুকলি সাধারণ পাবলিকর বাবে বা সাধারণ জনতার বাবে 23 তারিখের পর, সেই অনুসরি ইয়াত কোৱা হয় যে ইয়াত তেনেকৈ ভিড় সেইকেইটা দিনত বাঢ়িব, আর ইয়ার পিছত প্রত্যেক দিনে লাখের সংখ্যা ভিড় থাকিব। থোড়া থোড়া বাত করেঙ্গে আপসে, আপ মন্দির জানে বালে? হ্যাঁ মন্দির মে তো সব ঠিক হ্যাঁ, হম তো ওড়িশা সে আ রহা হুঁ, কালাহান্ডি। হ্যাঁ কালাহান্ডি সে। আচ্ছা লড্ডু লিয়ে? হ্যাঁ লড্ডু লিয়ে। আপকো অর্পণ করনা হ্যাঁ, অর্পণ করকে ফুল লড়ু লেকে অর্পণ করকে
वो आधा घंटा बस के वो भगवान के प्रार्थना 22 तारीख तक रहेंगे। हाँ हाँ नहीं नहीं हम 17 तारीख में आया था। 17 तारीख को आए हैं, आप कितने दिन रहेंगे? ओ हमें 24 तारीख जाएंगे। 24 तारीख तार माने मैं जिखिनि कथा कैसो जे 23 मुकली करा हबो দর্শনার্থীর বাবে আর সেই 22 তারিখের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পিছত এই ধরনের ইয়াত 24 তারিখলকে রব আর ইতিমধ্যে আমি বহুজনের সঙ্গে কথা পাতিছো রব বহুদিন পূর্বে আহিছে পরিবেশের মাজত নিজেকে বিলীন করে তুলিছে আর এই তার পিছত হয়তো আর কেটামান দিন থাকি বা ইফালে আর কেজনমান ভক্ত আছে। আপলো কা আছে? আমলো বিহার সে। বিহার সে তো আপকো এসা ক্যা লাগ রহা হ্যায় ইয়াহ পে আকে? বহুত 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 সুকুন মাহল হ্যায়। হ্যাঁ বহুত সুকুন মিল রহা হ্যায়। হম লোগ কো তো ভরোসা ভি নেই থা কি এসা মাহল মিলেগা। तो भी राम क्या सोच के आए थे? हम लोग सोच के आए क्या, बहुत बड़े राम भगवान के भक्त, हम लोग सोच के आए थे ऐसे ही खाली बाहर घूमने का, मंदिर का भी दर्शन नहीं होगा, बाहर ही घूम पाएंगे। अभी तो मंदिर का भी दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। कल आए श्री राम जन्मभूमि में, बहुत प्यारा, बहुत डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है और डेवलप बहुत जल्दी हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है? हाँ ये मोदी सरकार है, योगी सरकार है, तभी इतना जल्दी हुआ है। देखा किसी की औकात नहीं है, 500 साल हो गया मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ था। और 500 साल के अंदर 14 साल वनवास में राम भगवान आए तो दीपावली बनी, अभी 22 तारीख को हम लोग में 500 साल के बाद ऐसा माहौल बना हुआ है। तो इससे भी अच्छी दीपावली घर घर में बनाइएगा सब इंसान और बढ़िया से रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बताए तो आप पैदल चल के आए हैं, आपका थोड़ा कौन बैनर खन मैं लिखा बोले जत्न करीम सतीर्थ प्रभास सिंह से यात देखें पैदल यात्रा पैदल चल के आए हैं जी। मैं अलीगंज कपूरथला लखनऊ से पैदल चल के आया हूँ। अलीगंज से अलीगंज हनुमान मंदिर से? जी 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 जी। और यही हनुमान मंदिर है सामने? ये हमारे श्री राम भक्त हनुमान जी का मंदिर है और ये तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए। ये तो हम लोग अपनी पीढ़ी में देख लिए और आने वाली जो पीढ़ियां इस मंदिर को देखेंगी, ये समझ के चलिएगा जो योगी और मोदी जी ने कर दिया इस देश में वो इतिहास हो गया और इस इतिहास के पन्नों को अब कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इसको मिटा दे, क्योंकि नीचे से भी हवाई चल रहा है और ऊपर से भी चल रहा है। पूरी ताकत इस पूरी विश्व की नजर इस मंदिर पे है। सोचिए तो नीचे से भी लोग हैं, ऊपर से भी लोग हैं। ये कार्यकर्ताओं की इतनी मतलब ताकत है कि जो प्रभु के दर्शन के लिए प्रभु प्रभु ना मेरे विरोध हो पुरी से। आप कहाँ से आए हैं दोनों? आइए मैं कच्छ भूज से आया हूँ, जहाँ से मोदी जी ने ऐलान किया था कि मैं लाल किले पे राष्ट्रध्वज लहराऊंगा। हमें आज पूरे देश में खुशी ये है कि आज पूरे देश में राष्ट्रध्वज तो लहरा रहा है परंतु हर गांव, हर गली, हर चौराहे पे आज भगवान लहरा रहा है। पूरा भारत आज भगवान रंग से रंगा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और यह परिवेश जय श्री राम ध्वनि रे চারিফালে আকাশ বতাহ গুঞ্জরিত হয়েছে আর এখেতে এগারী কে যে হনুমানজী দীর্ঘদিনী আসলে তেও বহু বছর অপেক্ষা করেছে নিজের ইষ্ট দেবতা রামচন্দ্রর বাবে আর শ্রীরামর বাবে এই ধরনের অপেক্ষার অন্ত পড়বলে গেছে মাজত মাত্র এইখিনি সময়। রাজনীতি মে সাধু সন্ত ত্যাগীন রহেঙ্গে অধিকারী তো রাষ্ট্র বেচ কর ভর লেঙ্গে ভণ্ডার ভবন ভ্রষ্টাচারী। दस कम धर से लड़ने वाला कोई न महान मनस्थी था, विद्रोह प्रथम करने वाला भारत का एक तपस्वी था। गांधी तनय मर चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। ऐ राजनीति तेरा सर्वस्व नाश होगा, जब धर्म ही न भय रहो नर नीति दास होगा। जो राष्ट्र भक्त होगा वो क्या राजनीति खेले, खगनाथ लड़ गया था दस मात से अकेले, दस मात से अकेले। राम नाम पताका फहरे विश्ववा की माटी पे, लहरी तिरंगा मोरा चाइना की छाती पे, चाइना की छाती पे। अरे पपियन से छोड़ ले भाई पुरखन जगीरिया, जाए न झुकाई न पाई भारत शेखर पगड़िया। अरे लहरी तिरंगा मोरा चाइना के छाती पे, राम नाम पताका फहरी विश्ववा की माटी पे। जय श्री राम। अब हनुमानगढ़ी के मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए तो। हाँ हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो है कलयुग के मुख्य देवता हैं, ये मरे नहीं हैं। भगवान राम का आदेश है कि कलयुग में तू हमेशा अमर होकर के रहोगे। जो काम जिस हो नहीं होता है वो हमारे हनुमान जी कहते हैं। अंजने न आते इस व्यथित धरा के बीच, तो कौन भूमिधारी को स्नेह से उठाता कौन।
कौन लाग पाता उस प्रलय पयो निधि को, अब बंदनी विदेह जा को धीरज बताता कौन। लंका जला के जीत अजित निस्ताचरों से, अब प्रियतम प्रिया का मधु मिलन कराता कौन। राम गुण गायक बनाता कौन सेवक को, प्रभु के प्रताप का पताका फहराता कौन। भारत क्या है, भारत क्या है, इफ आई वेयर टू लुक ओवर दी होल वर्ल्ड टू फाउंड आउट दी कंट्री मोर चली इन डोर वी डाल दी वेल पावर एंड ब्यूटी दैट नेचर कैन विस्टो आई शुड पॉइंट टू इंडिया। समूचे विश्व में सभी प्राकृतिक साधनों से संपन्न सौंदर्य और संपत्ति से समलंकित देश अगर पृथ्वी पर है तो भारतवर्ष है, भारतवर्ष है। ये भारत की माँ बहन बेटियां क्या है, इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन। আসলতে পরিবেশ বুঝিবলা হয়তো বাকি নাই যে আর কোয়া হয়েছে যে অযোধ্যার এই যে মন্দির, রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, রামলীলার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, মানে আমার গোটেই বিশ্বত ভারতের সংস্কৃতি উজ্বলি উঠা বা এই মুহূর্ত গোটেই বিশ্বর এটা আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ এটা কেন্দ্ররূপে দেবভূমি অযোধ্যা ভূমি রাম জন্মভূমি রূপ দিয়া হয়েছে, রূপরেখা সলনি হয়ে উঠিছে বলে কৈছে জয়ন্ত, যে আজির পরা 4-5 বছর পূর্বলৈকে, আজির পরা 10 বছর পূর্বলৈকে কেনেকুৱা পরিবেশ আছিলে রাম মন্দিরের যি আরম্ভণি হয়েছিল 2020 চনৰ পৰা যি আরম্ভণি বা নির্মাণ কার্যের আধারশিলার যি আরম্ভণি, সেই আরম্ভণির পিছত এই কেইটা বছৰত দেখা গৈছে চারিওফালে উজ্বলি উঠিছে, জগমগাই উঠা এটা পরিবেশ নিশার ভাগতো আলোকিত হৈ পৰিছে যিহেতু এইখিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময়।